हे गाइस, आप देख रहे हैं डी लेटेस्ट इन्फो यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर आईआरबी रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने मुझे ये मैसेज किए गए थे कि आईआरबी की नई पोस्टें क्रिएट की गई हैं, तो हमें एक ऑफिशियल कन्फर्मेशन दोस्तों चाहिए था, तो हमें कन्फर्मेशन मिल चुका है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आपके लिए जो आईआरबी की रिक्रूटमेंट है वो दोस्तों अब जम्मू एंड कश्मीर कैंडिडेट्स के लिए आने जा रही है। अब बात करते हैं क्या इसका क्राइटेरिया रहेगा, कितनी क्वालिफिकेशन, एज लिमिट क्या रहेगी, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताएंगे। बस वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। इसी तरह के आने वाले अपकमिंग जॉब नोटिफिकेशन भी आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलते रहते हैं। डी लेटेस्ट इन्फो नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, तो उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी आप जुड़े रहिएगा। तो चलिए बात करते हैं कितनी वैकेंसी आएगी। तो टोटल यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे दोस्तों आपको बता दूँ कि होम मिनिस्ट्री की तरफ से यहाँ पे ये पूरी कंफर्मेशन दी गई है कि आईआरबी जो आपकी कॉन्स्टेबल की भर्ती है उसको यहाँ पे पोस्टें क्रिएट की गई हैं। तो सबसे पहले कितनी कितनी पोस्टें क्रिएट की गई हैं दोस्तों, आईआरबी की बात करें सबसे पहले तो मैं इसके बारे में आपको यहाँ पे बता देता हूँ इसका पूरा डिटेल वाइज। तो आईआरबी का मतलब है इंडियन रिजर्व्ड बटालियन। जी हाँ दोस्तों, आईआरबी का मतलब है इंडियन रिजर्व्ड बटालियन। तो ये जो पोस्ट है कॉन्स्टेबल की, ये आपके लिए आने जा रही है। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे बात करें कितनी वैकेंसी की बात की जाए, तो यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में टोटल 5000 वैकेंसी जो है क्रिएट की गई है। दोस्तों बात करें इसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों की रहेगी। यहाँ पे आपको वही राज्य मैक्सिमम देखने को मिलेंगे जिस साइड जहाँ थोड़ा ट्राइबल एरिया है, जहाँ टेररिज्म थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र, ये टोटल पोस्टें जो है यहाँ पे दोस्तों क्रिएट की गई हैं। 5000 जम्मू एंड कश्मीर की वैकेंसी जो है यहाँ पे वैकेंसी है, टोटल 17000 वैकेंसी है, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे 5000 जो जम्मू एंड कश्मीर की वैकेंसी है वो 5000 रहेगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार मैं आपको बताता हूँ। 10th बेसिस पे आपके ये फॉर्म लगेंगे। यहाँ पे बात करें तो 10th पास होनी चाहिए आपकी, इसमें कोई ऐसा नहीं मांगा जाता है कि 40% 60%, सिंपली आपकी 10th पास है तो ये पोस्ट आपके लिए रहेगी। एज लिमिट की बात की जाए 18 से 25 रहेगी जनरल वालों के लिए। जी हाँ दोस्तों, जनरल कैंडिडेट्स के लिए। एज रिलैक्सेशन की बात की जाए, आप सभी को पता है SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 5 साल की मिलती है और OBC के कैंडिडेट्स जो हैं 3 साल की एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे दी जाती है। तो चलिए इसके फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में बात की जाए, तो हाइट जो इसकी रहेगी मेल कैंडिडेट्स की 170 सेंटीमीटर रहेगी, और इसमें भी रिलैक्सेशन आपको दी जा सकती है, ये डिपेंड करेगा जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा। फीमेल की 157 सेंटीमीटर हाइट रहेगी, चेस्ट देख सकते हैं बॉयज़ की 80 से 85 सेंटीमीटर रहेगी, और फीमेल्स के लिए ये क्राइटेरिया नहीं रहता है, नॉट अप्लीकेबल। वेट देख सकते हैं प्रोपोर्शनेट होना चाहिए आपका हाइट और वेट के हिसाब से, ये दोस्तों यहाँ पर रहेगा। तो उसी के बाद यहाँ पर बात करें फिजिकल क्या रहेगा, रेस आपकी SSC की तरह इसमें रहेगी, जैसे जो बॉयज़ हैं मेल कैंडिडेट्स उनकी 1600 मीटर यहाँ पे दोस्तों रनिंग देखने को मिलेगी 6:30 में, और यहाँ पे दोस्तों मैं बात करूँ तो 5 किलोमीटर भी आपको देखने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये क्राइटेरिया अब डिपेंड करेगा कि जब रिक्रूटमेंट आती है तो 800 मीटर आपकी 4 मिनट में, ये आपकी फ़ीमेल कैंडिडेट्स की रहेगी। ये क्राइटेरिया में थोड़ी सी चेंजेस किए जा सकते हैं क्योंकि काफ़ी देर से आपने इस फोर्स का नाम नहीं सुना होगा, तो इसका क्राइटेरिया उनके हिसाब से ही डिपेंड किया जाएगा। तो ये आपका पूरा क्राइटेरिया, लॉन्ग जंप, हाई जंप ये रहेगा इसमें देख सकते हैं। और रिटर्न एग्ज़ाम की बात की जाए, इसका जो यहाँ पे रहता है 100 मार्क्स का रिटर्न एग्ज़ाम रहता है, 2 घंटे का समय यहाँ पे आपको दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग ऐड होगी नहीं होगी ये भी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताया जाएगा। फिजिकल होगा, फिर उसके बाद ये आपके क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, बस इसी तरह का जो इंटरफेस आपको रहेगा। बाकी मेन जो था दोस्तों, मैंने कन्फर्मेशन आपको दे दी है आईआरबी की रिक्रूटमेंट आपके लिए दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में आने जा रही है। अब ये कब आएगी ये भी आपको जल्द ही पता चल जाएगा, जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो हमारे चैनल के थ्रू आपको जरूर बताया जाएगा। बाकी आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, पूरा PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ पर जाकर भी आप दोस्तों जो है ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों बस ये था हमारा आज का वीडियो।